सो फाइनली ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ब्रह्मास्त्र एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, हाई ऑन VFX है, कि या ये मूवी एक एवरेज से ऊपर ठीक ठाक मीडियोकर मूवी है। अब दोस्तों रिव्यू तो आप सब लोग ने चेक ही कर लिए होंगे, लेकिन बात करें इसके मूवी के हाई पॉइंट्स के, तो इंटरवल का जो ब्लॉक सीन दिखाया है वो काफी सीटी मार और ताली मार था। और फिल्म की शुरुआत में शाहरुख खान का केमियो भी काफी कमाल का था, उनके एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे थे एंड जिस एनर्जी से शाहरुख खान ने इस केमियो को किया है वो भी काफी अच्छा था, ऑडियंस काफी पसंद कर रही थी इस सीन्स को। एंड वही दूसरी ओर केमियो की बात करें तो नागार्जुन का केमियो काफी छोटा था, काफी कम समय के लिए उनका केमियो था जो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला। अब दोस्तों फर्स्ट हाफ तो अच्छा निकल जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि इसमें जितनी कन्वर्सेशन है वो काफी लंबी चली जाती है एंड आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ जो रोमांटिक सीन्स दिखाए हैं वो भी काफी खिंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र मूवी इंडिया को वर्ल्ड मैप में ले जाएगी VFX के मामले में, जहां हम सिर्फ मार्वल्स DC की मूवीज पर रह जाते हैं, लेकिन अब इंडिया का भी नाम इसमें आने वाला है ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर। और डेफिनेटली हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आयान मुखर्जी का विजन, उनका डायरेक्शन, उनके जो VFX कंट्रोल से जो दिखाए गए थे वो काफी अच्छे लगे इस मूवी में। ओवरऑल दोस्तों वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस मूवी को बड़े पर्दे पर देखना जरा से भी मिस मत करिएगा एंड जो नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं भाई उनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि फिल्म में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं लेकिन उसके चलते आप इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। आप ये मूवी जरूर देखना चाहिए एंड IMAX 3D पर यह मूवी फ्री टू वॉच होने वाली है। फिलहाल दोस्तों रिकमेंडेड है ब्रह्मास्त्र मूवी, लास्ट दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी को रेट करूंगा 4 out of 5 stars। दोस्तों वीडियो में बस इतना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मिलते हैं किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।